दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। ऑफिस जाते हुए ये फाइल लेते जाइएगा। अरे ये तो कोई 25 साल पुराने पेपर्स हैं। ये कब से हैं तुम्हारे पास? 25 साल से, जब वकार ने अरीज के नाम सब कुछ कर दिया था ना, उसी दिन मैंने अलमारी से निकाली थी ये फाइल। तू की प्लानिंग करती हो शायस्ता, तुम्हें पता था ना कभी इनकी जरूरत पड़ेगी। मैंने ये सब कुछ संभाला हुआ है। आप होते ना तो हम इस घर के बजाय किसी झोपड़ी में रह रहे होते। नहीं, वैसी बात भी नहीं है। करना क्या है इनका? इन पेपर्स को वकील को देना है आपने, इन्हें रीडू करना है। सलमान से मेरी बात हो गई है, वो उरूज को गुलाब फिसला के उसे साइन भी ले लेगा और थंब इम्प्रेशन भी। बेहतरीन प्लान किया है, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ। आज ही करना है? सलमान के मूड का आपको पता है, कभी भी बदल सकता है। कल को किसी बात पे से गुस्सा आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। Got it? ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, जायदाद, इस सब की मालिक मैं हूं और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूं। तो आपको मशवरा है, इसके ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। सिर्फ मेरे कोर्ट जाने की देर है। आपका 25 साल का प्लान किया हुआ गेम मिनटों में तबाह कर दूंगी। तो मेरी इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि मेरे शौहर मेरी माँ और मेरी बच्ची की जिंदगी से दूर रहे, इसी में आपकी बेहतरी है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मैं उन बीबियों में से नहीं हूं जो अपने शौहर को किसी और औरत के साथ ताल्लुक में देख के रोने पिटने बैठ जाए। जवान बेटा है मेरा, अब ये सारे मामलात वो ही देखेगा। सलमान, सलमान को क्यों उलझा रही हो उन मामलों में? उसे बिजनेस में बहुत सारे काम करने होते हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी आपने कहा ना कि वो औरत झूठी है। हाँ, वो तो देख लेते हैं। सलमान ऑफिस से घर आ रहा है। दुआ करें कि वो औरत झूठी निकले। नवाज मेरे कमरे में आओ।
जी बॉस, आपने बुलाया? हाँ, एडवोकेट एहसान साहब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट सेट कर दो। बॉस, आपको एडवोकेट की क्या जरूरत? जितना कह रहा हूं उतना कर दो, मेरे मामलात में इतना दिमाग मत चलाया करो। सॉरी बॉस। जाओ। मैं ये सोच रहा हूं कि सलमान को अब तो रूज बिल्कुल भी पसंद नहीं रही। हाँ, सो जिस तरह अभी वो गुस्से में गया है ऊपर और हमारी हां में हां मिला रहा है, क्यों ना मां बेटी को घर से निकाल बाहर करें और हमारी हुक्मरानी हो जाए अपनी। हाँ, आप भी ना अजीब बात करते हैं। इन दोनों के जाने से हमें क्या फायदा होगा? ये सब कुछ वक्ती तौर पे ही हमारा होगा। मत भूले, ये सब कुछ अभी तक उस मक्कार गुरुज के नाम है। तो फिर क्या करें? पहले ये सारी चीजें हमारे नाम होने दें, उसके बाद माँ बेटियां मरती हैं तो मर जाए मेरी बला से। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मत मारी, मत मार, मत मुझे मत मार, मैं माँ। मम्मी, कोई नहीं मारा आपको। क्या हुआ मम्मी? मत मार, क्यों आप मत मारी? वो मुझे मार रहा है। कोई नहीं मार रहा सलमान, वो मुझे मार रहा था, मार रहा था वो मुझे। आपने डोनाल्ड पाप देखा है? और ड्रोना आप देख, वो मारा था मुझे। कोई नहीं मार रहा आपको, मैं हूं ना आपकी बेटी, आपके पास है। हाँ, तुम हो मेरी बेटी, वो मेरी बेटी, लेकिन वो मेरा बेटा, मेरा सलमान मुझे मार रहा था। कोई नहीं मार रहा अम्मी, आपने ख्वाब देखा है। छोटी दीदी साहिबा, क्या है? सलमान ऑफिस चले गए? नहीं जी, वो तो बड़ी बीबी साहिबा के कमरे की तरफ गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, छोटे साहब अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हैं। Thank you.
यकीन आना बड़ा मुश्किल है। जब एक बार भरोसा टूट जाता है ना, फिर दोबारा नहीं जुड़ता। चाय बिन पी तेरा साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, पता क्या हो जाता है मुझे, बहुत बड़ी खता की है, प्लीज माफ कर दो मुझे। अच्छा चलो शाबाश, ऊपर बैठो, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। सलमान चलो यहाँ बैठो, पहले पहले बताएं माफ करेंगे आप? बात करते हैं, आ बैठो। देखो सलमा, जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। जी कैसा वादा? मैं मानूंगा। तुम अरूज को कुछ नहीं कहोगे, तुम दोनों मोहब्बत से रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरूज भी यही चाहती है, और अब वो तो तुम्हारी बेटी की मां बन गई है। सच कह रही हो? मैं वादा करता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे, वो माफ कर देगी ना मुझे? कर देगी, जरूर करेगी। देखा रूच, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा सलमान दिल का बहुत अच्छा है। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी रूच, मेरी गलती है, मैं एडमिट करता हूं इस बात को।
रियली सॉरी, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम जाओ, तुम मुझे सजा दे दो, मारो मुझे, मेरी गलती। तुम छोड़ो मुझे। देखो अरूज बेटा, मेरी खातिर सलमान को माफ कर दो। अम्मी, आप सब कुछ जानती हैं ना? सब जानती हूं, मगर शायद तुम भूल रही हो। हम दोनों के लिए सलमान का मतलब सिर्फ खुशी है। हम दोनों की खुशी। प्लीज माफ कर दो इसे। ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मॉम, ये रूच ने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ कर दिया, मैं जानती हूं उसे। मैं आपको आइंदा के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे नहीं, अरूज को। नहीं दूंगा। चले, मैं ऑफिस चलता हूँ।
सुकून मिल रहा है? बहुत सुकून। जानती है मॉम, जब आपके पास आता हूं ना, अपनी सारी मुश्किलें भूल जाता हूं। मेरा बेटा आखिर मेरी जिंदगी जो है। ये जान है मेरा बेटा। अरे बेगम, कहाँ रह गई हो? देर हो रही है मुझे। जी लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। इदरीस, मैं कब तक इस छोटे से घर में रहूंगी? और अब मैं ये फजूल की मोहब्बत से मानने वाली नहीं हूं। तुम खुद तो इतने बड़े बंगले में रह रहे हो अपनी बीवी और बेटे के साथ, वो भी मजे से। भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें चल के उस बंगले में रहना है? वाकई? क्या ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है बेगम, ऐसा होने जा रहा है, बस चंद दिनों की बात है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं वकील के पास से आ रहा हूँ। शाइस्ता और सलमान समझ रहे हैं कि मैंने कागजात सलमान के नाम पे बनवाए हैं। फिर किसी को पता तक नहीं चलेगा, उरूज के दस्तखत करते ही सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। बस फिर मैं शास्ता को छोड़ दूंगा। दिल भर गया मेरा उससे, बूढ़ी हो गई हो। वो तो मैं जानती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे जिंदगी में तो मैं हूं ना। हाँ ये तो है। अरे मुझे ऑफिस पहुंचना है, मुझे किसी भी हाल में सलमान को डायरेक्टली वकील से बात नहीं करने देना, वरना भांडा फूट जाएगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ अपडेट देता हूँ। ठीक है। हाँ, ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कहाँ नहीं ढूंढा, आप क्यों चली गई थी घर से? मैंने आपसे कहा था वेट करें, आप चली गई छोड़ के। आपको पता सब लोग मुझे झूठा कह रहे हैं घर में कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और कोई आया ही नहीं था। आपको थोड़ा तो मेरी इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। मैं तो आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रही थी। और हाँ शानजे, वो मुसरत मिल गई है, बस उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं करती हूँ कॉल अभी। अच्छा हुआ मैंने रोज के मशवरों से जान छुड़ा ली, अब ऐश करूंगी। कभी तुमने मेरे धड़कनों की बेकरारी नहीं सुनी, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए बेकरार है हमजा। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। तुम्हें सिर्फ अफसोस है रानिया? बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। मेरा जी चाह रहा है कि मैं इस दुनिया को आग लगा दूं।
इतने पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? इतनी मोहब्बत करती है वो तुमसे, तुम्हें पता है वो दो रात से सोई नहीं है तुम्हारे पास। क्या करूं मैं? किसी पर रहम खाने का ठेका नहीं लिया हुआ मैंने। सरफान, वो कोई किसी नहीं है। 25 साल तुम्हें मोहब्बत दी है उन्होंने, माँ है वो तुम्हारी, और तुम आज सिर्फ मैं ही आंटी कह रहे हो। अच्छा तो तुम बता दो, बताओ मैं उन्हें मेरी आंटी ना कहूं तो क्या कहूं? कुछ भी किसे और नेपाल है, लेकिन मैं तो आज भी उन्हें अपनी माँ ही समझती हूँ। जरूरी नहीं कि जैसा तुम सोचो से मैं सोचूं। देखा रूच, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा सलमान दिल का बहुत अच्छा है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। Really sorry, Rich. मेरी गलती है, मैं एडमिट करता हूं इस बात को। मिली सॉरी, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम जाओ, तुम मुझे सजा दे दो, मारो मुझे, मेरी गलती है। छोड़ो मुझे, अम्मी मुझे लगता है कि आपको सलमान से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। क्या मतलब अरुच? मतलब ये कि वो कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं जानती हूं कि आप सलमान से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि आपको दुख हो। अरुज, तुम बेटा सलमान की बीवी बात में बनी हो, उसे मैंने पाला है, तुमसे ज्यादा अच्छी तरह उसे मैं जानती हूं।
देखो अरूज बेटा, मेरी खातिर सलमान को माफ कर दो। अम्मी, आप सब कुछ जानती हैं ना? सब जानती हूं, मगर शायद तुम भूल रही हो। हम दोनों के लिए सलमान का मतलब सिर्फ खुशी है। हम दोनों की खुशी। प्लीज माफ कर दो इसे। पता नहीं क्यों मुझे सलमान के इस बदले हुए रवैये पे भरोसा नहीं हो रहा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो। क्या सोचने लगे? आशिकी को तूने जिद कर दिया।